चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, परफेक्ट गर्ल बिदिप्ता चक्रवर्ती। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी। हाय बिदिप्ता। हेलो भैया। कैसा लग रहा है आज शर्मिला मैम के सामने आप उनके ही गाने परफॉर्म करने वाली हैं? ऐसा हमको लग रहा है कि जैसे कोई सुंदरता की मूर्ति बैठी हो हमारे सामने, सच्ची में ट्रूली एकदम। मतलब आपकी हर चीज ही आइकॉनिक है, जैसे कि आपकी आई मेकअप बोलो, फिर आपका हेयर स्टाइल, आपका साड़ी पहनने का जो तरीका है। एक बार मैम का वो आइकॉनिक लुक मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी। देखिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, दिस इज नॉट नॉर्मल। ओह माय गॉड, हमने सुबह से ये ट्राई करने की कोशिश की बट हमसे हो ही नहीं पा रहा था। तो आप कैसे लगा लेती हैं मैम? तो आई हैव टू डेमोंस्ट्रेट इट आपको, फिर आप मुझे कोसेंगे जी भाई, माय मेकअप वाज सो गुड, आपने सब स्पॉइल कर दिया। क्या मैम, आप मेकअप लगाएंगी विदिता पे? जाओ जाओ भाई, जाओ sure, जाओ जाओ, आई कैन ट्राई। माय गॉड, फिर बाद में मुझे डांटना मत। नहीं बिल्कुल नहीं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम यू कम होम देन आई विल सी। वाओ, फॉर एनी वुमन दिस वुड बी अ ड्रीम। मतलब मैम ने अपने हाथों से वो आइकॉनिक यू नो आई मेकअप किया, यू आर सो लकी। एकदम एकदम। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, क्या बात है, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
मुसाफिर आपने बेहद अच्छा गाया बट स्पेशली आप जितनी भी बार वो गा रहे थे ना मुसाफिर हूँ यारो जैसे आप फिर से लोगे बहुत ही खूबसूरत था क्या ठहरा वाह मुसाफिर हूँ यारो क्या बात है न घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना टू गुड लिसन डेफिनेटली बिना किसी हिचकिचाहट के मैं कह सकता हूँ यू आर वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स टू विन दिस शो एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच बताओ ये बात है बताओ क्या कर दिया तुमने नहीं नहीं मैं तुम्हारा पैंट देख रहा था क्वालिटी अच्छी है वेरी वेरी नाइस ये जीतू जी वाले कपड़े हैं सर मेरे डांस के इंस्पिरेशन तो सिंगर हो ना तुम डांस में कहाँ आ रहे हो और जीतू जी के सबसे बड़े फैन तो मैं हूँ तो तुम कहाँ से बीच में आ गए किसने कहा कि इंडियन आइडल के स्टेज पर जीतू जी के दो जबरदस्त फैंस का डांस कंपटीशन नहीं हो सकता है। बेशक क्या बात है। We all want to see. क्या बात है। देखना चाहते हैं। सर सर जीतू सर के बहुत बड़े फैन हैं। I agree. But सर मेरे से बड़ा फैन इस धरती पे कोई नहीं। अरे ये साबित हो जाएगा। आज मैं आपके कपड़े भी पहन के आया हूँ सर। Oh my God. Actually मैंने भी white पहना है। हाँ। मैं तो भूल ही गई। सर आपने भी white टी-शर्ट पहना है। सर इस डांस कंपटीशन पे वेरीफाइड का ब्लू टिक लग जाएगा अलबेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे ओ तू ही छा गया तू ही छा गया हर नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया क्या बात है ओह माय गॉड एक बार सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए जीतू सर के लिए इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल शिवम आपने मौसम बदल दिया
जाने जा तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा ये वादा रहा ना होंगे जुदा ये वादा रहा बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम उतनी जली है दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है साथ हम जो चले मिट गए फासले आ गए पास हम आ गए पास हम विनीत बहुत अच्छा गाया आपने थैंक यू सर वो फ्लेवर भी है आप में रफी जी की yes, समझे ना जरा गाइए बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम आ गए पास हम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़